पर भाजपा की नहीं आने की। अच्छा, क्योंकि इसके जो कार्य हैं, जो कार्य प्रणाली रही है वो जनता के विरुद्ध रही है। शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, आम किसान की बात हो, इसकी सरकार में हर व्यक्ति परेशान रहा। किसान 1.5 साल तक जंगल में पड़ रहे हैं दिल्ली में, और उनके खेतों को जानवर खाते भी रहे हैं। नौकरी की बात करें तो 97,000 वैकेंसी जो 29,000 वैकेंसी थी उसमें घोटाला होया, एक भी भर्ती नहीं कंप्लीट हो गई हूँ। सबसे भ्रष्ट सरकार। लेकिन अब फ्री राशन दे रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। फ्री राशन कौन मांग रहे हैं? राशन में तो इन्हों फ्री शिक्षा दो, फ्री चिकित्सा दो। किसानों का जो गन्ना पेमेंट हो 14 दिन में दो, 14 दिन जो दूर 14 महीने हो जहाँ पेमेंट आओ। कौन मांग रहा है इनको राशन? राशन मत दो, जो उचित मारे वो दो बस। महंगाई पर कंट्रोल करो जी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आपको क्या लग रहा है? जी मैं यूँ कह रहा हूँ, देखो आप तो सरकार को बोल रहे हैं, यूँ नहीं बोल रहे हैं कि वोट किसे देना चाहिए। वो तो आपकी इच्छा है ना। हाँ नहीं, यो पूछो कि वोट किसे देना चाहिए। वोट देना चाहिए उसको जो हमारे काम आता हो, जो हमारे फोन पे एकदम फोन उठा हो, अगर हमें कोई दिक्कत परेशानी इन थाने चौकी वालों से बचाता हो, जो डकैती पड़ रही है थाने चौकी में, वो जो रिश्वत मांग रहे हैं खुलेआम, ना भाई इतने दे जो कोई सुन नहीं रहा। दूसरी बात, अब बीजेपी के कार्य की बताऊं मैं बात, अभी क्या कहते हैं बीजेपी वाले? कहते हैं भाई हमने मंदिर बनवाया, मंदिर के नाम पर हमें वोट दे दो। सही बात है क्या? तुम इस बात में आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इन्होंने मंदिर बनवाया? तो मंदिर और किसी सरकार में तो नहीं बना था ना, ना, ना सरकार में मैं आपसे पूछ, अगर इन्होंने मंदिर बनवाया हाँ, तो क्या जो हमारे जज थे उनकी कनपटी पर तमंचा रखकर बनवाया था कैसे? मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ, कोई इनका अगर बड़ा नेता मेरी बात अगर सुन रहा हो तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इन्होंने जो जज थे हमारे उनके साथ क्या करा था जो इन्होंने मंदिर बनवा दिया? और जब इन्होंने मंदिर बनवाया था तो भाई हर आदमी, हर बिरादर, चाहे वो SC हो, चाहे जाट हो, चाहे गुज्जर हो, यादव, वो अपने विधायक के लिए, अपने आदमी के, अपनी जाति के लिए सोचता नहीं भाई? खाने के लिए भी अपने ही सोचो। तो हमारा आरक्षण किस आधार पर कटा? क्या उस टाइम भी उन्होंने जजों के ऊपर तमंचा रखा था ना भाई, जाटों का आरक्षण काट दो? भाई मैं बताऊँ, यो जाटों का जो आरक्षण काटा था यो बीजेपी ने काटा या यो जजों ने काटा? और जजों ने काटा तो यो बता दो मंदिर कैसे इन्होंने बना दिया? ये एक बात को बता दो भाई, ये नु कहते हैं हमने मंदिर बनाया, इनका ये मुद्दा नहीं होना चाहिए भाई, इनका ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि मंदिर हमने बनवा दिया। मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। इनका अगर ये मुद्दा है तो भैया हमारा ये बता दो आरक्षण क्यों काटा, और आरक्षण काटा तो भैया वोट मांगने मत आइयो, सीधी सी बात। तो आप आरक्षण को लेके आप वो देश के लिए तो कर रहे हैं ना? आरक्षण की बात ही हो जी, मैं बताऊँ आपसे, अब हर जाट के पास 2 बीघे 5 बीघे 10 बीघे जमीन है, क्या उस आरक्षण की जरूरत नहीं? वो क्यों खड़ा होगा 20,000 की लैंड में? वो भी तो 2,000 की लैंड में खड़ा होना चाह रहा, बताओ वो क्यों खड़ा होगा 20,000 की लैंड में? क्या वो गरीब आदमी को आरक्षण की जरूरत नहीं? क्या लग रहा है सब जाट मालदार हैं? चलिए आपने ये आरक्षण वाली बात कही तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो स्वर्ण है उन्हें तो बिल्कुल ही आरक्षण नहीं है, लेकिन वो भी बीजेपी के साथ है। हम सुन तो लो, हम उन्हें यूं थोड़े कह रहे हैं कि उन्हें मत दो। मेरा कहने का मतलब, आपका मेरा मतलब यो है, जो गरीब आदमी है उसको आरक्षण की जरूरत है। मैंने जाट को नहीं कहा, मैं यूँ नहीं कह रहा कि जाटों को जरूरत है, मैं उसको कह रहा हूँ गाँव में जाकर देखो तो 2 बीघे वाला मजदूरी कर रहा जाट, इधर से निकलो अभी घर गिन लो, वे 4 आदमी पर ही मिलेंगे मजदूरी कर रहे हैं, 4 मिलेंगे 4, क्या उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है क्या? तो जातिगत आधार पे ना हो गया ना गरीबी का उस तो इन्होंने तो सबसे पहले तो हम पर चाबुक चलाया, हम देखते ना पहले भाई ये सही है या गलत है, ये सही खा रहे हैं पी रहे हैं हमारे साथ, क्यों तो इन्हें वोट कहेगा जी। भाई ना किस बात का वोट देंगे आपका बतावेंगे, इन्हें कैसे दिया जाए वोट और कैसे लेंगे वोट? देखिए एक बुजुर्ग भी हमारे साथ है यहाँ पर, आइए इनसे बातचीत करते हैं जी। बाबा जी आपको क्या लग रहा है, आप किसे वोट देना चाहेंगे, किसकी सरकार आनी चाहिए आपकी बार? अच्छा 80 को दो जी को। रुचि वीरा जी विधायिका रही तो उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं वैसे, सही बात है। 2 साल में इतने काम कर दिए, हमारी सड़क तैयारी बना गई थी। हाँ 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 अच्छा, फोन करा तो सब की सुना थी। अच्छा तब की बार भी तो उन्हें ही हुआ है टिकट तो उन्हें ही हुआ है। अच्छा तो आपको बसपा को वोट रहेगा? तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अपनी मन की बात बिल्कुल लाधड़ रहे हैं। बाबा जी का कहना है कि हम दलित हैं और दलित को ही वोट करेंगे, तो इनका वोट बसपा को जाएगा। हमें घूमते हुए खड़े हैं हम एक चौराहे पर, तो आइए यहाँ पर भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं उनका क्या मत है। तो सर आपका क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार का तो मुझे पता ना, पर इसने सरकार ने कहा था कि 2017 में ओलावृष्टि हुई थी मुंजी के खेतों पर, आज तक उसका कोई मुआवजा नहीं मिला, और मेरी 10 बीघे मुंजी पट हुई थी और मैंने 10 बार वो करवा दिया, कम से कम 10-76 पर फोन, और उस तो फाइल आ गई, पटवारी लेकर आ गए, उन्होंने रिपोर्ट लगा दी, और आज मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा आपको अभी तक मुआवजा नहीं मिला? 1 रुपया नहीं मिला। यो सरकार भ्रष्ट सरकार है बिल्कुल, बस सब तो कह रहे बहुत अच्छा काम हो रहा है बिल्कुल, जब 2017 से अब तक मेरा मुआवजा नहीं मिला और क्या दे सको। तो गुंडागर्दी तो कम हो गई है? गुंडागर्दी क्या कम हुई है, और बढ़ गई पुलिस की गुंडागर्दी, सब तक नहीं बढ़ गई, चलती हुई मोटरसाइकिल का नू खिंचो
और चलान कर दे और घर आ वो मैसेज। तो ये तो ऑनलाइन हो गया है ना? ना तो ऑनलाइन कर दिया तो वो तो और गुंडागर्दी नंबर एक की कर दी उनकी पुलिस की जी। मैं ओरिजिनल बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर लोग बहुत अच्छी बात है, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट में आते हैं तो लोग अपनी समस्याएं भी कहते हैं और वो शिकायतें जो लोगों को होती हैं सरकार से, जो आगे चलकर अगर सरकार बनती है तो उन्हें उस बात पर ध्यान देना चाहिए, ये बातें भी निकल कर आ जाती हैं इन नुक्कड़ सभाओं में। तो आइए और भी लोग आए हैं, उनसे बात किससे जाएगा? लोकदल पर। लोकदल पर जाएगा, खास बात है कि आप लोकदल को वोट देंगे? क्या हमारा जो कुछ करा उसी ने करा, लोकदल ने करा और न किसी ने कुछ नहीं। क्या 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 किया? क्या क्या करा? हाँ। जब गन्ने का भाव 9 रुपए 9 रुपए था तो करेसरों में चरण सिंह मुख्यमंत्री था 8 रुपए 40 पैसे बिकवाया था। अच्छा। है? तो वो 35 ही सही, अब करेसर को बिक रहा 260। अच्छा। कोई पाबंदी नहीं क्यों जी? तो हम तो इसलिए वो जी।